अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मी एंड माइंड रेसिपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाहिद दरबारी चिकन की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है चिकन। हमने यहाँ यूज़ किया है 1/2 kg चिकन, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 teaspoon भरकर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। तो यहाँ मैंने इसे फ्रेश बनाया है, इसके लिए तमाम चीज़ों को एक साथ ही ग्राइंड कर लिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे दही, दैट इज़ कर्ड, ये 1/2 cup लिया है हमने। और 2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, दैट इज़ धनिया पाउडर। और 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर। और ऐड करेंगे इसमें 2 teaspoon के करीब रेड चिली पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 teaspoon गरम मसाला और 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे देंगे रेस्ट। तो यहाँ पर हमने इसे मैरिनेट कर लिया है चिकन को, और इसे हमें रेस्ट देना है एटलीस्ट 1/2 hour का, आधा घंटा तो इसे आपको फ्रिज में रखना ही है। तो यहाँ हमने ले लिया है 1 tablespoon ऑयल, और इसमें ऐड करेंगे 2 teaspoon देसी घी, 2 छोटे चम्मच हमने लिया है यहाँ पर देसी घी का। आप देसी घी की जगह इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 large onion फाइनली चॉप्ड। हमने 2 onion का यूज़ किया था और उसे फाइनली चॉप कट कर लिया। और अब हम इसे इतना कुक करेंगे कि इसका कलर ब्राउन कलर का हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर। सो नाउ यू कैन सी द कलर ऑफ अनियन, इट्स टर्न इन टू ब्राउन कलर, वी हैव टू रिमूव इट। इसको हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा हमें इसके अंदर ही रहने देना है जो हम ग्रेवी में यूज करने वाले हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बे लीफ, तेज पत्ता 2 1 inch का दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी जावित्री। इसे कर देंगे थोड़ा सा स्टर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन, जिसे हमने 1/2 hour का रेस्ट दिया है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे फ्रीजर में रख दीजिए, बट आपको इसको रेस्ट देना ही है। इसे कर देंगे मिक्स। अब जिस बोल में हमने मैरिनेट किया था उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो वेस्ट ना हो। और अब हम इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स, और इसे करना है हमें कुक तकरीबन 5 से 6 minutes के लिए। और अब हमने इसमें ऐड किया है काजू पेस्ट, बहुत ज़्यादा काजू का यूज़ नहीं किया है मैंने, 5 से 6 काजू लिया है, और उसे 1 teaspoon कर्ड की हेल्प से पेस्ट बना लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ चिकन में आ गया है बॉईल। अब हम इसे कुक करेंगे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ हमने इसे कवर कर दिया था जब तक ये कुक होता है। हमें करना है पीनट रोस्ट। तो यहाँ हमने ले लिया है मूंगफली, और इसे करना है ड्राई रोस्ट।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ड्राई रोस्ट हो चुका है ये, और कितनी आसानी से इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाता है। अब हमें क्या करना है, इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है और हाथों की मदद से या फिर किसी टावल में रख के आप इसे रब करेंगे तो इसकी जो स्किन है वो इजीली निकल जाती है। यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से कुक हो चुका है, देख सकते हैं आप ऑयल सेपरेट हो चुका है, बट इसमें जो ग्रेवी है बहुत वाटरी है, बहुत ज़्यादा इसमें वाटर आपको लग रहा होगा। तो हम शाही दरबारी चिकन बना रहे हैं, इसके लिए हमें इसे करना है ड्राई। तो अब हम इसकी करेंगे भुनाई, ठीक है, इसे अच्छे से भुनना है और इसे कर देना है थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का, क्योंकि इसके अंदर है काजू जिसकी वजह से ग्रेवी में बहुत अच्छा रिचनेस आएगा। और अभी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मूंगफली, तो मूंगफली अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, हमने उसके सारे छिलके को रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली अच्छे से स्किनलेस हो चुकी है। इसे हमें करना है कोर्सली ग्राइंड, तो मैंने इसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, और इसे ऐड कर देंगे चिकन में। आप देखेंगे जैसे ही हम पीनट पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, इसका टेक्सचर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, जो वाटरी था वाटरी से वो थिकन की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो चुका है। इसे अभी हम और कुक करेंगे, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, जितना आप इसे भुनेंगे उतना टेस्टी ये बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब हम चिकन की भुनाई करेंगे तो गैस का फ्लेम फास्ट रखना है, स्लो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्लो करेंगे तो जो चिकन की पीसेस है वो ब्रेक हो जाएगी। तो इसे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना ही खूबसूरत दिख रहा है, और वाकई ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यू रेसिपीज, मोर यूनिक रेसिपीज, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेट द न्यू रेसिपीज नोटिफिकेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दे, लाइक का बटन ज़रूर दबाए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ देख सकते हैं हमने इसे सर्व कर दिया है, कुछ पीनट्स हमने बचा कर रख लिए थे तो उससे हमने इसे गार्निश किया, और जो अनियन हमने रिमूव किए थे वो अनियन का हमने यूज़ गार्निश में किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।